वालेकुम जी, आज मैं आपको सिखा रही हूँ काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट किए जाने पर कश्मीरी कोफ्ते बनाना। चीज़ें आपको यहाँ पे दिखा देते हैं, आप इसको चिकन में बना सकते हैं, मैं इसको बना रही हूँ यहाँ पर मटन में। देखें, अगर आप कीमा ले रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि अगर आप फैटलेस लेते हैं तो उसमें फिर आपको घी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैं इस्तेमाल करी, इसमें हल्का सा फैट है जिसकी वजह से मुझे बीच में तेल या घी इसमें ऐड करने की ज़रूरत नहीं होती है। सो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि आप कीमा ले रहे हैं इसमें हल्का सा फैट हो, ज़्यादा नहीं। तो ये रहा हमारा कीमा। कीमे में जो चीज़ें डलेंगी वो है बेसन यानी कि ग्राम फ्लावर, सौंफ का पाउडर यानी कि फेनल सीड्स जो होते हैं उसे आप ग्राइंड कर लेंगे सिंपली, उसका पाउडर बना लेंगे। यहाँ पर आप देख लें, दिस इज गार्लिक पाउडर जिसे हम सिंपली यहाँ पर कहते हैं सौंठ। हींग बिल्कुल थोड़ी चाहिए होगी क्योंकि इसका बड़ा स्ट्रॉन्ग सा फ्लेवर भी होता है और स्मेल बड़ी पंजन सी होती है, तो इसे हम इस्तेमाल करेंगे बीच में हींग को, यानी कि इसको इंग्लिश में कहा जाता है एसोफेटिडा। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर आपको चाहिए। सॉल्ट यानी कि नमक। ब्लैक कार्डमम्स साबुत जो होती हैं आप उसे ग्राइंड कर लेंगे और उसके जो दाने हैं आप इस्तेमाल करेंगे और छिलका डिस्कार्ड नहीं करेंगे, वो भी इस्तेमाल होगा, आपको आगे दिखा देते हैं। साथ ही आपको चाहिए इसके लिए थिक योगर्ट चाहिए। अनियंस आपको चाहिए फाइनली, प्लीज इसको आप ग्रेट कर लीजिएगा, ग्राइंड कर लें जिससे आपको लिए ईजी हो। मैंने यहाँ पर इसको ग्रेट किया हुआ है। साथ ही आपको दोबारा यहाँ पे चाहिए सौंफ का पाउडर यानी कि फेनल सीड्स ग्राइंड किए हुए, तेज पात यानी कि बे लीफ, चंद हरी मिर्चें, लौंग यानी कि क्लोव्स, ब्लैक कार्डमम्स, देख रहे हैं आप दाने उसके वहां पे कीमे में इस्तेमाल हो जाएंगे, और जो छिलका है उसका वो हम डिस्कार्ड नहीं कर रहे, वो इस्तेमाल होगा उसके करी में यानी कि सालन में। रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, होम मेड मेरा गर्म मसाला दैट्स ऑल स्पाइसेस, सॉल्ट यानी कि नमक, ड्राइड जिंजर पाउडर दोबारा यानी कि सॉल्ट। तेल में बनाए, घी में आपकी अपनी चॉइस है, इसको ऑयल में बनाएंगे, आपको दिखाते हैं इसको बनाने का काम। कोफ्तों को हमने करना है मैरिनेट। कीमा एक आप बोल में लेंगे, मेक श्योर कीजिए इसमें कोई पानी ना हो, जब अगर आपने इसको डिफ्रॉस्ट किया तो तमाम पानी जो है ड्रेन आउट हो जाना चाहिए। सबसे पहले हम इसमें डाल रहे हैं जो हमारा बेसन है, सौंफ यानी कि फेनल सीड्स, जिंजर पाउडर यानी कि सौंठ, ये हींग जा रही है यानी कि एसोफेटिडा, ब्लैक कार्डमम के सीड्स मोटी इलायची के, रेड चिली पाउडर यानी कि लाल मिर्चों का पाउडर, सॉल्ट यानी कि नमक। इन चीज़ों को पहले आप अच्छी तरह कीमे में मिक्स करें और फिर मैं आगे आपको दिखाती हूँ कि मज़ीद इसको और किस तरह मिक्स करना है और क्या चीज़ें इसमें डलेंगे। आप देख लें, वर्क सर्फेस को प्लीज़ अच्छी तरह साफ कर लीजिएगा। आई हैव ऑलरेडी डन इट, मैंने अपने हाथ भी वॉश कर लिए हैं क्योंकि यहाँ पे हाथों का इस्तेमाल करना है। कीमा आप रखते हैं वर्किंग सर्फेस पर और यहाँ पर आप ऐड करते हैं थोड़ी सी दही और अब आपने अपने हाथों से इसको अच्छी तरह मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं इक्वली बीच में मिक्स अप हो जाए और आपका कीमा बहुत ही ज़बरदस्त कोफ्ते बनते हैं, सॉफ्ट बनते हैं। तो इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेते हैं और फिर आपको दिखाते हैं कि नेक्स्ट आपने क्या करना है। तमाम चीज़ों को अच्छी तरह मिक्स कर लेने के बाद देखिए, वर्किंग सर्फेस पर रख करके इसको इसलिए मिक्स करने को मैंने आपसे कहा है क्योंकि आपने इसको एक्चुअली मसलना है कीमे को ताकि तमाम चीज़ें इसमें इक्वली मिक्सअप हो जाएं। क्यों, आपको पता है कि जो बेसन डाला है उसका एक बड़ा स्ट्रॉन्ग सा जायका होता है, मेक श्योर कीजिए तमाम कीमे में मिक्सअप हो जाए। अब आप क्या करेंगे, थोड़ा सा अपने हाथ पे आप लगाएंगे ऑयल और जो कोफ्ते हैं जो साइज़ आप बनाना चाहते हैं, अगर आप उसको लॉन्ग शेप देना चाहते हैं तो ज़रा उसको यूँ थोड़ा सा पहले मुट्ठी में डाल करके टाइट कर लेंगे, कोई क्रैक्स ना हो, और हाथों से यूँ करके आप इसको यू सॉसेज शेप दे सकते हैं। अगर आप चाहें आप गोल बना लें, फ्लैट कर लें, जिससे आपका दिल चाहे। तो कोफ्ते बना करके एक साइड पे रख लेते हैं, फिर इसका जो है सालन की तरफ आते हैं। मैंने इनको ज़रा थोड़ा लंबा शेप दिया है, ज़रा खूबसूरत लगता है, लिटिल बिट डिफरेंट, वरना ज़्यादातर तो कोफ्ते आपको पता है गोल ही बनते हैं। कोफ्ते यहाँ पर हमने तैयार करके साइड पर रख लिए। तेल मैंने यहाँ पर गर्म कर लिया है, इसमें जाएगा सबसे पहले लौंग दैट्स क्लोव्स, तेज पात यानी कि कड़ी पत्ता, और जो छिलका था ब्लैक कार्डमम सीड्स का यानी कि मोटी इलायची का, ये डाल करके इसको हल्का सा जो है पहले जो है तेल में, जो आपको मैंने पहले भी कहा है कि ये अपना नेचुरल ऑयल्स बीच में छोड़ देते हैं। देखें, साथ ही बीच में हो चुका है ये। इसमें ऐड करेंगे जो हमारे अनियंस हैं, ड्राइड मसाले, गर्म तेल में जाते ही अपना सारा जायका छोड़ देते हैं। ये एक बहुत बड़ी टिप है आप लोगों के लिए। ये डाल करके अनियन को आपने जो है यहाँ पर बड़ा खूबसूरत सा लाइट गोल्डन कलर देना है, फ्लेम शुरू से लेकर अभी तक हाई पर है, हल्का सा इसको लाइट गोल्डन की तरफ लेकर के आना है, ज़्यादा काला नहीं करेंगे इसे। और जितना आप इसको बारीक काटेंगे पीसेंगे या जिस तरह भी है, तो ये कि ये आपके सालन में नज़र नहीं आता क्योंकि कश्मीरी सालन जो होता है उसमें प्याज ज़्यादा नज़र नहीं आना चाहिए। तो ये एक आपको टिप दे दिए, ग्राइंड कर लें या बारीक ग्रेट कर लें। इसके बाद यहीं पर अब ऐड करेंगे आप जो आपका दही है,
योगर्ट चला गया बीच में, रेड चिली पाउडर, सौंफ का पाउडर, जिंजर पाउडर, गरम मसाला पाउडर एंड सॉल्ट। ये डाल करके थोड़ा सा हम इसमें डालेंगे पानी ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। और आप देख रहे कितने कम मसाले डालते हैं, क्योंकि जो कश्मीरी हांडियाँ होती हैं इसके अंदर में ज़्यादातर गर्म मसालों का इस्तेमाल होता है, क्योंकि वो सब जगहें होती हैं ठंडी जगहों में, ये होता है कि गर्म मसाला जिसम को गर्म रखने का काम देता है। इसलिए जब हम पाकिस्तान वगैरह में होते हैं हम गर्म मसाले कम और ज़्यादातर अपनी लाल मिर्चों का, हरी मिर्चों का इस्तेमाल करते हैं। ये डालने के बाद मिक्स कर लिया, थोड़ा सा पानी डालें और इसको अब मीडियम फ्लेम पर रखकर तब तक को करेंगे जब तक कि जो पानी है बीच में ये ड्राई हो जाएगा और तेल सरफेस पर आ जाएगा। देख लें तेल सरफेस पर आ गया हुआ है, शुरू से लेके अभी तक फ्लेम हाई पर था। अब आप इसमें ऐड करेंगे जो आपके कबाब हैं और फ्लेम को आप यहाँ पर कर लेंगे लो टू मीडियम के दरमियान में। और जितने भी आपके तमाम कबाब हमने बनाए यानी कि कोफ्ते सॉरी, इसे बीच में ऐड कर लेते हैं। और अब हम इन्हें लो टू मीडियम में रखें तब तक कुक करेंगे जब तक कि जो कीमा खुद का पानी होगा उसका खुश्क हो जाएगा और तेल दोबारा सरफेस पर आ जाएगा और जो आपके कोफ्ते हैं ये थोड़े से हार्ड हो जाते हैं यानी कि अपनी शेप पकड़ लेते हैं। तो बीच में चमचा बिल्कुल मत हिलाइए, ओवरलैप आप बिल्कुल नहीं करेंगे। कबाब को आप यूँ किसी तरीके से डालिएगा कि तमाम कबाब आराम से आ जाएं, और अगर नहीं आते आपको टिप दे रही हूँ, जैसे ही थोड़े से श्रिंक होंगे आप बाकी के कबाब भी बीच में ऐड कर सकते हैं। लेकिन मैंने कुछ यूँ साइज़ बनाया और देखिएगा मेरा तला काफ़ी बड़ा है तो मेरे कबाब बीच में आ जाएंगे। लो टू मीडियम पर रखें, कुक करें जब तक कि पानी खुश इसका हो जाए जो कीमे का। देख लें कि मैंने इसमें कोई पानी नहीं डाला, आप देख लें बीच में कितना लिक्विड है, वो दही और जो गोश्त है वो खुद अपना पानी छोड़ रहा है यानी कि कीमा यहाँ पर ये इसी में पक जाएगा इंशाल्लाह। और जब आपने इसको हिलाना है तो प्लीज़ चमचा मत बीच में डालिएगा, क्योंकि कबाब होते हैं कोफ्ते होते हैं टूट जाने का डर होता है, क्योंकि अभी भी हल्का सा कच्चा है। आप देशकी उठाते हैं और उसको यूँ हल्का सा जो है इस तरीके से बस इस तरह करते चले जाइए, मिक्सिंग हो जाती है और इसे पक जाने दें जब तक कि तमाम पानी खुश्क हो जाएगा। और एंड में इसका रिजल्ट देखेंगे कि कश्मीरी कोफ्ते के कोफ्ते हो चुके हैं परफेक्टली तैयार। ये देखें, अब आप बेशक बीच में चमचा हिलाएं, कोई डरने की बात नहीं, ये देखें ठीक है यहाँ पर ये तैयार हो गए। अब आपने क्या करना है, अगर आप इसको यूँ सर्व करना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, लेकिन अगर आप थोड़ा सा इसके अंदर में ग्रेवी चाहते हैं, गाढ़ापन ख़त्म नहीं होगा इंशाल्लाह लेकिन थोड़ी सी ग्रेवी, तो इसमें यहाँ पर अब हम ऐड करेंगे पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी ऐड कर रही हूँ। और आप फ्लेम ले आएंगे मीडियम पर और इसको तब तक कुक करेंगे जब तक कि इसमें कोई इसको जैसे बॉयल स्टार्ट होगा आप इसको टाइम दे दें फॉर अबाउट 5 to 10 minutes ताकि अच्छी तरह इसमें बॉयलिंग स्टार्ट हो जाएगी। कवर कर दें और मीडियम पर रख के इसको थोड़ा सा जो है पका लेंगे, और ताकि पानी में कोई कच्चापन ना रहे और तमाम मसाले पानी में मिक्सअप होकर के हमारा एक अच्छा गाढ़ा ग्रेवी बन जाए। देखिए इसको 5 से 7 मिनट हो चुके हैं, परफेक्टली तैयार हो गया है। इस पर डालेंगे चंद हरी मिर्चें और इसको अब डिश आउट कर लेते हैं। और एंड में अगर आप चाहें तो जिस तरीके से इसको सर्व किया जाता है, जब मैं दावत पर गई थी तो उन लोगों ने क्या किया था कि क्रीम लेकर के उसके ऊपर आप यूँ जो है हल्का सा ड्रिजल कर देते हैं और ये बड़ा खूबसूरत लगता है जब आप सर्व भी करते हैं। बिल्कुल थोड़ा सा हमें क्रीम चाहिए, अबाउट 1 टेबल स्पून और सो, और इस तरीके से जो है आपके कश्मीरी कोफ्ते तैयार होते हैं। गर्मा गर्म नान के साथ इस्तेमाल कीजिएगा, रोटियों के साथ करें, जिससे आपका दिल चाहे ज़रूर बनाएं। फुल इंग्रेडिएंट्स के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज़ cookwithfaiza.net, ज़रूर बनाइए। तो आपको कैसा लगा दुआओं में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।